हेलो नमस्कार, माय नेम इज सतपाल पांचाल और आज की वीडियो का टॉपिक है शॉर्टकट की ऑफ एक्सेल। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि एक्सेल के अंदर ज़्यादातर यूज होने वाली शॉर्टकट की, मोस्टली तो सभी शॉर्टकट की हैं इसके अंदर, लेकिन इससे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि शॉर्टकट की का क्या यूज है। शॉर्टकट की हमारे काम को आसान और इजी बनाने के लिए या जल्दी करने के लिए शॉर्टकट की हम यूज करते हैं, और ज्यादातर इंटरव्यू में हमसे शॉर्टकट की भी पूछी जाती है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हो या एक्सेल की हो। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं शॉर्टकट की हो एक्सेल के बारे में। वन बाय वन मैं आपको एक एक शॉर्टकट की बताता जाऊंगा, उसका एग्जाम्पल भी देता जाऊंगा। जैसे सबसे पहले है टैब, टैब दिया गया है, टैब में दिया गया मूव टू द नेक्स्ट सेल टू द राइट करंटली सिलेक्टेड सेल। जैसे आपने ये सिलेक्ट कर रखा है सेल, मैं यहाँ से टैब दबा रहा हूँ, आपको तो शायद ना दिखाई दे, तो जैसे टैब दबा रहा हूँ तो राइट साइड में मूव हो रहा है आपका सेल, एक्टिव सेल। ये काम आप एरो से भी कर सकते हो, हमारे कीबोर्ड के अंदर एरो होते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, उनका भी यूज कर सकते हैं और टैब का यूज भी कर सकते हैं। आगे है सेलेक्ट ऑल कंट्रोल प्लस ए, इसमें ये आपको पहले से ही पता हो, कंट्रोल ए करते हैं तो सारा कंटेंट हमारा सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद दिया गया है कंट्रोल बी, कंट्रोल बी मतलब जो एक्टिव सेल के अंदर आपने कोई मैटर लिखा हुआ है उसको आपने बोल्ड करना है, या आप कंट्रोल बी दबा दोगे, मैं कंट्रोल बी दबा रहा हूँ तो ये बोल्ड हो गया होगा। ठीक है, और नॉर्मल करने के लिए वापस कंट्रोल बी कर दो, नॉर्मल हो जाएगा। आगे है कंट्रोल प्लस सी, सी मतलब कॉपी करना, यहाँ पर आप ऐसे क्लिक करोगे, कंट्रोल प्लस सी दबाया आपने और यहाँ पर आप कहीं भी किसी भी सेल पे पेस्ट कर सकते हो। देखो हमें कैसे पता लगता है कि सेल कॉपी हो गया है या नहीं, या कट हो गया नहीं, देखो ये जो ब्लिंकिंग लाइन आ रही है इसके एक्टिव सेल के ऊपर, तो इससे ये पता लगता है कि ये कंटेंट जो है हमारा कॉपी हो गया है, और कंट्रोल वी से हम कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, या आप होम मेनू में जाके यहाँ पर कॉपी कर सकते हो या ऐसे पेस्ट कर सकते हो। आगे है आपका कंट्रोल प्लस डी, इसमें क्या आ गया, क्या कहा गया, फिल डाउन द सेल बिहाइंड विद द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सेल, फिल टू मोर देन वन सेल सेलेक्ट द सोर्स ऑफ द प्रेस कंट्रोल शिफ्ट डाउन टू सेलेक्ट मल्टीपल सेल। देखो इसमें सीधा ही बता देता हूँ, ज्यादा कंफ्यूज ना हो आपको कंटेंट को देखने। आपने यहाँ पर कोई वर्क लिखा हुआ है, कोई भी वर्क लिखा हुआ है, और आपने नीचे भी वही वर्क फिल करना है इस सेल में, तो आप कंट्रोल प्लस डी कर देंगे। कंट्रोल प्लस हमने जैसे ये डी किया, देखो 68 इसके अंदर आ गया, यानी ये कह रहा है कंट्रोल प्लस डी में क्या होता है, और फिल डाउन जो आपकी एक्टिव सेल के अंदर वैल्यू है वो सॉरी अबो सेल के ऊपर जो वैल्यू है वो फिल डाउन हो जाएगी। ठीक है, ऐसी एक बताया गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन टू सेलेक्ट द मल्टीपल सेल, इसका मतलब क्या है, आप इसको डिलीट करो, आप सारे सेलेक्ट जैसे इस पे क्लिक करते हैं ना, देखो ये सारे सेल सेलेक्ट हो गए, तो ऐसे ही आपने एक साथ पूरा सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर देखो दिया गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन। ठीक है, तो आपने कंट्रोल दबाना है, जैसे मैंने दबा दिया, शिफ्ट दबाना है, उसके बाद डाउन पे क्लिक करना है, सॉरी कहीं और क्लिक हो गया, आपने कंट्रोल दबाना है, क्या बताया गया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन, की तो हम सही दबा रहे हैं, दोबारा फिर देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट, शिफ्ट के साथ डाउन, एरो कीज में से भी दबा सकते हो, और यहाँ पर जो हमारा देखो यहाँ पर पेज अप पेज डाउन ऐसा कुछ लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप ये अभी भी वही हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, दोबारा फिर करते हैं, यहाँ पर हमें इस सेल को सिलेक्ट करना, कंट्रोल प्लस डी डाउन, हाँ हो गया, मेरे से की गलत दब रही थी क्योंकि मेरा लैपटॉप है, इसमें फंक्शन की साथ में दी गई है, दोबारा बता रहा हूँ आपको। इसमें ये था कि आपने यहां से लेके यहां तक का पूरा सेल सॉरी पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की दबाएंगे तो आपका पूरा वो सेल सॉरी पूरा कॉलम एक्टिव हो जाएगा।
और उसके बाद एक और लाइन लिखी थी, क्या लिखी थी वो भी बता देता हूं मैं आपको। देखो यहां पर लिखी थी, देन प्रेस कंट्रोल प्लस डी, फिल विद द कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल सेल। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि जैसे आप सेलेक्ट करोगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन और आप कंट्रोल डी करते हो, तो जो आपके कंटेंट है, कौन सा कंटेंट था, वो आपका फिल हो जाएगा। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, अभी चला गया। यहां पर कंट्रोल शिफ्ट डाउन सेलेक्ट कंट्रोल डी, वैल्यू नहीं आ रही है। दोबारा देखें, आपने ओरिजिनल मतलब जिस सेल में वैल्यू लिखी है उसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की प्रेस करनी है, आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल डी कर देंगे आप, तो जो एक्टिव सेल के अंदर वैल्यू थी वो सभी कॉलम में, या सॉरी इस पूरे कॉलम में आ चुकी होगी। आप ऊपर नीचे करके देख सकते हो, ऊपर से लेके नीचे तक सभी सेल के अंदर ये सेम वैल्यू आ चुकी है। तो ये था आपका कंट्रोल प्लस डी, मतलब डुप्लीकेट भी होता है इसका मतलब। आगे है फाइंड, कंट्रोल प्लस एफ करोगे, कोई पर्टिकुलर वर्ड आपको फाइंड करना है, जैसे जैसे कंट्रोल एफ पे करोगे तो आपने फाइंड करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट इसके अंदर नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट पे में ऐसे अब क्या करना है, फाइंड नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। तो जहां जहां नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट है, ध्यान पे ध्यान दो, ये उसको सर्च कर रहा है। देखो यहाँ पर नेक्स्ट है, यानी कोई पर्टिकुलर वर्ड आपने फाइंड करना, आगे नहीं है ये मना कर रहा है। ठीक है, आगे नहीं है, तो आपने कोई पर्टिकुलर वर्ड फाइंड करना है तो आप फाइंड कर सकते हो कंट्रोल एफ से। उसके बाद है आपका कंट्रोल जी, ठीक है, कंट्रोल जी गो टू द राइट एरिया। देखो एमएस वर्ड में क्या था, ये एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए होता था कंट्रोल जी, यहाँ पर क्या है कंट्रोल जी, यहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर सेल पे जाते हो। जैसे मुझे जाना है यहाँ पर, तो डी टू है इसका एड्रेस, तो यहाँ पर आप लिख देंगे डी टू और गो टू पे क्लिक करो तो डी टू पे चले जाओगे आप। या आपको यहाँ पर आना है 45 पे, तो एड्रेस देखो इसका क्या है, एच और H5 है। ठीक है, गो टू, यहाँ पर H5 करो और गो टू, देखो आप H5 पे आ गए। ठीक है, गो टू एक सेल से दूसरे सेल पे जाने के लिए। आगे है कंट्रोल प्लस H रिप्लेस करने के लिए, फाइंड एंड रिप्लेस। देखो जब हमने कंट्रोल प्लस F किया था, देखो यहाँ पर फाइंड आ रहा है, साथ में रिप्लेस भी है। अब हम जब कंट्रोल प्लस H करेंगे तो रिप्लेस एक्टिव होता है, वो ये कहेगा कि किसी वर्ड की जगह आपने कोई वर्ड रिप्लेस करना है। तो ये मैंने पहले बता चुका हूँ मैं पुरानी वीडियो में, अगर नहीं आता है आप तो वहाँ पर हमारे चैनल पे एक्सेल की कोई पुरानी वीडियो देख सकते हैं होम मेन्यू की। आगे है आपका कंट्रोल प्लस आई, किस लिए यूज होता है, इटैलिक करने के लिए। कोई कंटेंट लिखा आपने और उसको आपने इटैलिक करना है, बैकग्राउंड में शोर ज्यादा है उसके लिए, सॉरी। कंट्रोल क्या करेंगे, डी इटैलिक हो जाएगा, सॉरी कंट्रोल आई करेंगे इटैलिक हो जाएगा, और कंट्रोल बी करेंगे बोल्ड हो जाएगा। ये टेक्स्ट बोल्ड हो रहा है हल्का सा, देखो ये बोल्ड हो गया बी, कंट्रोल इटैलिक। और यदि आप अंडरलाइन भी देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, मैंने कंट्रोल यू कर दिया, ये आपकी अंडरलाइन आ गई। हम कहाँ थे, एच पे थे, ये इटैलिक थे। के क्या होता है, कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक, यानी लिंक क्रिएट करने के लिए यूज होता है। ये देखो यहाँ पर इसको दूसरी शीट पे देखते हैं हम, कंट्रोल प्लस के, देखो इंसर्ट ए हाइपर लिंक। इसमें क्या आता है, हम यहाँ पर कोई भी वर्ड लिखते हैं, कंप्यूटर लिख दिया मैंने, और मैं इस वर्ड को लिंक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। लिंक में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पर हाइपर लिंक में भी जा सकते हैं, और शॉर्टकट की का भी, देखो यहाँ पर अपने आप आ गया होगा शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए। तो हम अब कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे, कंट्रोल सॉरी कंट्रोल प्लस के दबाएंगे, तो जैसे आप कंट्रोल प्लस के दबाते हो तो यहाँ पर
कोई फाइल ही आएंगे, आप किसी भी फाइल के साथ, कोई अदर लोकेशन पे आपकी फाइल है उनके साथ लिंक बना सकते हो, जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैं बना देता हूँ ABC, इस फाइल के साथ लिंक बना देता हूँ। ओके, जैसे आप लिंक पे ओके करोगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा, और इसके ऊपर माउस जब लेके जाओगे तो हाथ का निशान आएगा, फिर आपने राइट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, तो आपकी वो फाइल ओपन हो जाएगी जिसके साथ आपने लिंक बनाया। देखो, ABC के फाइल के साथ लिंक बनाया था। तो ये है आपका हाइपर लिंक, यानी कंट्रोल प्लस के, आगे है कंट्रोल प्लस एल, लिखा हुआ है ओपन द क्रिएट लेबल डायलॉग बॉक्स। ये क्या होता है, कंट्रोल प्लस एल, तो यहां पर क्या होता है, देखो ध्यान से दें, ओपन द क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स। ये आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो, देखो ऐसे कोई एरिया सेलेक्ट किया आपने और कंट्रोल प्लस एल कर देना है। वैसे तो आप यहाँ से भी एरिया सेट कर सकते हो, लेकिन जैसे आप एरिया सेलेक्ट करोगे या कंट्रोल प्लस एल करोगे तो ओके करना बस आपने। ओके ओके करने से क्या होगा, जो आपका सिलेक्टेड एरिया था वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। टेबल साथ में फिल्टर भी लग गया आपके, देखो यहाँ पर फिल्टर भी, कोई कंटेंट आप यहाँ पर लिख सकते हो। आगे है आपका कंट्रोल प्लस एल हो गया। कंट्रोल प्लस एन क्या होता है ये तो सबको ही पता होगा, नई सीट या नई वर्कबुक क्रिएट करने के लिए कंट्रोल प्लस एन करते हैं हम, तो नई सीट आ जाती है हमारी। ठीक है, वापिस से अपनी सीट पे जाएंगे। आगे है कंट्रोल प्लस ओ, ये भी पता होगा, ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ करेंगे तो आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हो। देखो जो सिंपल है वो तो मैं उनका प्रैक्टिकल नहीं कर पाऊंगा, उन्होंने जैसे कंट्रोल प्लस पी क्या होता है, प्रिंट देने के लिए होता है। जैसे आपने इसका प्रिंट लेना है, कंट्रोल प्लस पी करेंगे, यहाँ से प्रिंटर कौन सा है आपका प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने सैमसंग का सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक कर दोगे निकल जाएगा प्रिंट। आगे है आपका देखो कंट्रोल प्लस आर, ये यही है जो अभी यहाँ पर आया था, कहाँ आया था हमारा, कहाँ आया था, कंट्रोल प्लस डी। हाँ देखो, कंट्रोल प्लस डी का मैटर जो लिखा हुआ है और इसका मैटर लिखा समथिंग सेम सेम है, लेकिन इसके अंदर क्या डिफरेंस है कंट्रोल प्लस डी के अंदर और कंट्रोल प्लस आर के अंदर, हम उसी वैल्यू पे जाते हैं, ये था वो। देखिए होता क्या है, अगर आप कंट्रोल प्लस डी कर रहे हो, मैं मैटर डिलीट कर देता हूँ, देखो कंट्रोल प्लस डी करूंगा मैं यहाँ पर 45 के नीचे, कंट्रोल प्लस डी तो 45 नीचे आ गए, ठीक है, और अब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर, तो क्या हुआ, जो ये वैल्यू है राइट में शिफ्ट हो गई है, और वही जब आप ऐसे आप क्लिक करते हो और इसमें दिया गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, क्या दिया गया था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फिल डाउन, इसमें हम देख रहे हैं आर वाला, उसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ, कहाँ गया, कंट्रोल प्लस आर, ये रहा कंट्रोल प्लस आर, यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट, ठीक है, जब वहां डाउन था यहाँ पर राइट है, और यहाँ पर आपने कोई वैल्यू लिखी है, देखो ये डाटा यहाँ पर पूरा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपने कंट्रोल शिफ्ट और राइट, देखो हो गया ना सिलेक्ट, आप करोगे कंट्रोल आर, तो डाटा देखो जो भी सिलेक्टेड सेल थे सब में आ चुका है, जैसे फिल डाउन में बताया था आपको ऐसे ही यहाँ पर है, ये बस राइट में चलता है आपका, ये एंड तक पूरा सेम डाटा आ गया होगा आपका, लेकिन इससे आगे आगे डिलीट करना चाहो डिलीट कर सकते हो। कंट्रोल प्लस एफ पता होगा वर्कबुक को सेव करने के लिए है। आगे देखो कंट्रोल प्लस टी, ये कंट्रोल प्लस टी और कंट्रोल प्लस एल एक ही तरह का होता है, देखो लिखा भी है ओपन द क्रिएट डायलॉग बॉक्स, ओ सॉरी टेबल डायलॉग बॉक्स, ऐसा कुछ यहाँ पर भी आया था, अभी देखो ऊपर कहाँ आया था हमारा, ये रहा ओपन द क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स, और यहाँ पर भी देखो ओपन द क्रिएट डायलॉग बॉक्स, यानी ये कंट्रोल प्लस एल और कंट्रोल प्लस टी सेम वर्क करती है। ये लोग देख यहाँ पर इतना एरिया सेलेक्ट किया, अब मैं कंट्रोल प्लस टी करता हूँ तो ओके वही टेबल आ रही है आपकी पहले की तरह। कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन देने के लिए, अंडरलाइन द सिलेक्टेड सेल। कंट्रोल प्लस वी क्या होता है, कॉपी के बाद हम पेस्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस वी होता है। आगे है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू,
क्या होता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू? देखो आपके सामने कितनी पेज, कितने स्लाइड या कितना, सॉरी स्लाइड नहीं सॉरी, कितनी सीट खुली हुई है, शॉर्टकट की खुली हुई है, बुक की खुली है, बुक थ्री की खुली है। जैसे हम इसको ओपन कर लेते हैं, अब ये बुक थ्री की जो सीट है मुझे क्लोज करनी है, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, हम ऐसे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू कर देंगे। तो देखो क्या हुआ, वो बुक थ्री की थी जो, वो फाइल क्लोज हो गई, और मुझे इसको भी क्लोज करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ये भी क्लोज हो गई। अब देखो नीचे एक ही फाइल खुली हुई है आपकी, तो यानी करंट की जितनी भी एक्सेल विंडो खुली होती है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से वो क्लोज हो जाती है। आगे है हमारा क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स। क्या होता है कंट्रोल प्लस एक्स, पता होगा, कॉपी की तरह ही होता है, लेकिन व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कॉपी एंड कट? पेस्ट तो सेम ही होता है, कॉपी में क्या होता है, हमारा वर्क लास्ट पोजीशन पे भी रहता है और न्यू पोजीशन पे भी रहता है, और कट में क्या होता है, लास्ट पोजीशन से वर्क कट के नई पोजीशन पे आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर ये वैल्यू लिखी और मैं इसको कट करता हूँ, कंट्रोल प्लस एक्स किया, अब यहाँ पर इसको प्लेस करना है, कंट्रोल प्लस वी कर दो, तो ये यहाँ से डिलीट हो गई और यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये होता है कंट्रोल प्लस एक्स या कट जिसको बोलते हैं। कंट्रोल प्लस वाई, बताओ क्या होता है, अंडू रीडू आप लोगों ने सुने होंगे। ये यहाँ पर देखो, ये आपका अंडू है, कंट्रोल प्लस जेड, और ये आपका रीडू है। ठीक है, लास्ट वर्क को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करने के लिए, जैसे मैं अंडू करता हूँ कंट्रोल प्लस जेड, जो हमने कोई भी लास्ट वर्किंग करी होगी उसको ये हटा रहा होगा। ठीक है, अब मुझे लगता है कि नहीं, जो मैंने अंडू किया वो वापस लेना है, फिर हम कंट्रोल प्लस वाई करेंगे। ठीक है, अंडू का वर्क रिपीट करने के लिए कंट्रोल वाई कंट्रोल जेड। आगे है कंट्रोल प्लस वन, ये क्या होता है कंट्रोल प्लस वन, चेंज द फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट ऑफ द सिलेक्टेड सेल। फॉर्मेट क्या होता है, कोई स्टाइल, आपने यहां पर कंप्यूटर लिख दिया, कंप्यूटर, कंप्यूटर लिखने के बाद अब आप इसका स्टाइल कैसे चेंज करते हो, आप यहां से भी स्टाइल चेंज कर सकते हो, और आप यहां से भी इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। देखो फॉर्मेट सेल पे आएंगे, यहां से इसका स्टाइल चेंज होता है, फॉन्ट बॉर्डर कौन सा लगाना है। ठीक है, अब हमने यूज करना है कंट्रोल प्लस वन, कंट्रोल प्लस वन, तो कंट्रोल प्लस वन किया, देखो यही खुला फॉर्मेट सेल, एक बार काट देता हूँ यहाँ पर, जो यहाँ पर मैं स्टाइल ले रहा था, देखो क्या लिखा हुआ है फॉर्मेट सेल, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है सेल फॉर्मेट, यहाँ से नंबर होता है, अलाइनमेंट होता है, फॉन्ट होता है, बॉर्डर होता है, फिल होता है, प्रोटेक्शन होती है। तो यही चीज कंट्रोल प्लस वन, आपने कीबोर्ड से वन दबाना है तो आपकी ये फॉर्मेटिंग आ जाती है, आपने जो करना है वो आप कर सकते हो, वो आपको देखना है कि आपने स्टाइल कौन सा लगाना है, कलर कौन सा लगाना है। ठीक है, ओके करो, वही कलर लग जाएगा, लगा नहीं लग जाएगा, आराम से वही नहीं होगा, हमने कलर ही ब्लैक दिया, कोई ढंग का तो कलर दे दो, जैसे रेड दे दिया, ओके, तो हो गया ना। देखो फॉर्मेटिंग जो आप यहाँ से करते हो वही यहाँ से होगी। आगे है बोल्ड, क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस टू, बोल्ड द ऑल सेल हाईलाइट, मतलब यहां पर कोई वर्क लिखा हुआ आपने, अब इस वर्क को आपको बोल्ड करना है, तो आप क्या करोगे, यहां से बोल्ड पे क्लिक कर दो, कंट्रोल प्लस बी कर दो, तो ये कंट्रोल प्लस टू क्या होता है, देखो कंट्रोल प्लस टू दबाओगे तो भी आपका टेक्स्ट बोल्ड ही होगा, यानी यहां पर दो शॉर्टकट के हैं बोल्ड करने के लिए, एक तो कंट्रोल प्लस बी, ये देखो मैं कंट्रोल प्लस पी कर रहा हूँ तो भी बोल्ड हो रहा है, और कंट्रोल प्लस वन कर रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी, वन नहीं टू, कंट्रोल प्लस टू कर रहा हूँ तो बोल्ड हो रहा है, यानी कंट्रोल प्लस बी और कंट्रोल प्लस टू सेम होते हैं, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपसे। आगे है कंट्रोल प्लस थ्री, अब ये क्या होता है, पुट इटैलिक द हाईलाइट सेल, वही कंट्रोल प्लस आई या कंट्रोल प्लस थ्री करो, कंट्रोल प्लस आई किया, इटैलिक हो गई, आप नॉर्मल कर दिया मैंने, अब मैं कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस थ्री, इटैलिक हो रहे हैं, ध्यान देखो हो रहे हैं, कंट्रोल प्लस थ्री इज इक्वल टू कंट्रोल प्लस आई, बराबर है दोनों, कंट्रोल प्लस फोर वही कंट्रोल प्लस यू इज इक्वल टू कंट्रोल प्लस यू, सेम होते हैं, यानी अंडरलाइन आ जाएगी। आगे है कंट्रोल प्लस फाइव,
देखो यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो इसमें तो नहीं है, एमएस वर्ड में होता है स्ट्राइक थ्रो। क्या होता है स्ट्राइक थ्रो? कोई कंटेंट होता है ना आपका, उसके बीच में आप लाइन ले सकते हो, स्ट्राइक थ्रो। देखो अंडरलाइन की बात नहीं कर रहा मैं, अंडरलाइन में तो नीचे लाइन आती है, स्ट्राइक थ्रो में, यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। तो आप यहाँ से क्या ऑप्शन दिया गया स्ट्राइक थ्रो का? Ctrl+5। कुछ गलत हुआ है हमसे, कैंसिल नहीं करना है। सेलेक्ट करते हैं क्या है शॉर्टकट की, Ctrl+5 ही है शायद, मैंने कुछ और दबा दिया होगा। चलो दोबारा देखते हैं, Ctrl+5। हाँ मेरे से कोई गलत बटन दबा गया। तो ये देखो बीच में जो लाइन आई हुई है इसे स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं, हटानी है, Ctrl+5 वापस कर दो, हट जाएगी। आगे लिखा है Ctrl+6, शो और हाइड ऑब्जेक्ट। अच्छा ऑब्जेक्ट, पहले आपको ये पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट होता क्या है। इसको ये शो एंड हाइड नहीं करेगा, किसको करेगा? ये जो आपकी ड्राइंग से पिक्चर कुछ भी होती है, ये होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट। आपने कोई भी पिक्चर ले रखी है, अब आपने इसको हाइड करना है, डिलीट नहीं करना है, हाइड करना है। क्या शॉर्टकट की दी गई है? Ctrl+6, Ctrl+6। हुआ नहीं, सर्कल घूम रहा है, होगा, नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया। नहीं, Ctrl+6 करोगे आपका ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा 100%। ये तो कंप्यूटर ही मना कर रहा है चलने के लिए, ये कह रहा मैं नहीं चलूंगा, नॉट रिस्पॉन्डिंग। वाई नॉट रिस्पॉन्डिंग? कोई और सीट ओपन हो जाएगी, कोई और भी नहीं हो रही। ऐसा तो कोई गलत बटन नहीं दबाया हमने, Ctrl+6 ही किया था, नॉट रिस्पॉन्डिंग। वाई नॉट रिस्पॉन्डिंग? कोई और सीट नहीं, कोई और सीट भी नहीं ओपन है। हाँ जी अब देखते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और अब हम प्रेस करते हैं Ctrl+6, Ctrl+6, हाइड हो गया। वापस लेके आना, Ctrl+6, 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 यानी आपका ऑब्जेक्ट या पिक्चर आप हाइड एंड शो करा सकते हो। आगे है Ctrl+7, शो और हाइड टूल बार। टूल बार कौन से टूल बार? देखते हैं, Ctrl+7, Ctrl+7, अदर सीट पे देखते हैं क्या क्या। Ctrl+7, सॉरी फ्रेंड्स ये वाली शॉर्टकट की नहीं चल रही है मुझसे, आप ट्राई कर लें। आगे देखते हैं, Ctrl+8, इसमें बताया गया है आपको टॉगल द आउटलाइन सिंबल। ओके आउटलाइन सिंबल, आउटलाइन सिंबल, सॉरी फ्रेंड ये शॉर्टकट की और ये शॉर्टकट की दोनों नहीं चल पाई है, लेकिन मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा इन दोनों पे। चलो फिलहाल आगे की बात कर लेते हैं। आगे है Ctrl+9, रो को हाइड करने के लिए, Ctrl+0, कॉलम को हाइड करने के लिए। कैसे? जैसे हम यहाँ पर हैं और हमने कोई बीच से रो या कॉलम अपने हाइड करना है, कोई नंबर डाल दो ताकि आपको पता लग जाए कि वो हाइड हुआ है। वैसे तो हेडिंग से पता लग जाएगा। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करना है आपने और Ctrl+9 दबाओ, ध्यान से देखना क्या हुआ। Ctrl+9, तो देखो यहाँ से पूरी की पूरी रो गायब होगी, यानी हाइड हुई है वो। यहाँ देखो 14 है, 14 के बाद 16 है, यानी 15 हाइड हो चुकी है। मैंने अंडू किया है और अब मैं कॉलम करके दिखाता हूँ। Ctrl+ क्या था? 0। तो ये देखो ये हाइड हो गया। अब आप इसको शॉर्टकट की से ही अनहाइड करना चाहते हो तो आगे इसकी शॉर्टकट की है वो भी बता दूंगा कि ये हाइड किया हुआ रो और हाइड की हुई कॉलम कैसे रखते हैं। वापिस अपनी वीडियो पे जाते हैं, शॉर्टकट की। सॉरी आगे है Ctrl+Shift+रेसो, एंटर द करंट टाइम। ठीक है, आप चाहते हो कि हमारी सीट के अंदर
जो इस टाइम करंट टाइम चल रहा है वो आ जाए। मेरे लैपटॉप में इस टाइम है 1:14 PM हो चुका है, यानी 1:14 हो चुकी है, तो वो डेट या वो टाइम कैसे आएगा? देखो क्या बताया गया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस रेसो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस रेसो, ठीक है? देखो आ गया ना टाइम, कंट्रोल शिफ्ट प्लस रेसो, आगे है कंट्रोल प्लस सेमी कोलन, कंट्रोल प्लस सेमी कोलन, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस सेमी कोलन। तो आज की डेट आ गई है, आज 12 तारीख है, 9वां महीना है 2019, यानी ये भी चल गई, ये भी चल गई। अब इसको भी देख लेते हैं, चेंज द बिटवीन डिस्प्ले द वैल्यू फॉर्मूला इन द वर्कशीट। यहां पर एक फार्मूला लगाया हुआ आपने, ये तो सिंपल भी चल सकता है वैसे, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी। चलो आगे काम आएगा, लगा देता हूँ। अब आपने करना क्या है, अब आपने कंट्रोल प्लस ये निशान, इस निशान का नाम नहीं पता लेकिन ये पहचान बता सकता हूँ, ऐसे एस्केप के बिल्कुल नीचे होता है ये निशान, शायद पोस्ट ऑफिस का तो नहीं है ये साइन, तो ये आपको निशान दबाना पड़ेगा। तो क्या होगा, पहले इसका कोई फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला लगा लिया, अब आपने इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है ये देखना है, ठीक है? तो आप कंट्रोल और ये निशान जो भी है सिंबल, इसको क्लिक करोगे तो ये सेल थोड़ा बड़े हो जाएंगे, और यहाँ पर आके देखो तो आप यहाँ पर अपना फॉर्मूला देख सकते हो, साथ में उसमें कोई चेंज भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो नॉर्मल हो जाए तो वापस से कंट्रोल और वही निशान दबाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। ये जस्ट एस्केप के नीचे होता है, और न्यूमेरिक जो की जो होती है आपकी 1 2 3, तो 1 के आगे होता है या टैब बटन के ऊपर होता है। अच्छा आगे है आपका, हाँ ये पोस्ट ऑफिस एस कोमा होता है, पोस्ट ऑफिस कोमा बोलते हैं इसको, कंट्रोल प्लस कोमा सिंगल कोमा, यानी इन्वर्टेड कोमा तो डबल होता है, सिंगल कोमा होता है। ये लिखा है कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम द सेल अबो, अच्छा यानी आप चाहते हो कि ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू यहाँ भी आ जाए, नहीं सेम टू सेम फॉर्मूला, कॉपी पेस्ट नहीं है, कॉपी पेस्ट करोगे तो यहाँ पर इसको काउंट कर देगा, तो सेम यही फॉर्मूला रखना है आपने, इसको डिलीट ही कर दो, या इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा इस चीज का। देखो कंट्रोल प्लस कोमा और एंटर, देखो वही वैल्यू आ गई, इसका कोई लेना देना नहीं है, और चाहे इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, और इसके अंदर कोई चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा, यानी इस सेल का चेंज नहीं हुआ। दोबारा देखते हैं, कोई ना कोई तो गड़बड़ है, यहाँ पर चेंज कर रहे हैं तो ये तो यहाँ, सॉरी तो यहाँ भी नहीं, शायद मैंने ना वो क्या होता है आपका फॉर्मूला के अंदर कैलकुलेट मैन्युअली किया हुआ, हाँ ये देखो मैन्युअली हो रहा है, इसको ऑटोमेटिक करना पड़ेगा, अदरवाइज तभी तो कह रहे हैं गड़बड़ क्यों हो रही है। यहाँ पर आप कोई वैल्यू चेंज करोगे तो ये देखो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। आगे आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इन्वर्टेड कोमा, कॉपी वैल्यू फ्रॉम द सेल अबो, यानी ऊपर वाले सेल के अंदर अगर आपने कोई वैल्यू रखी है वो कॉपी करनी है तो वो भी कर सकते हो। जैसे अभी कंट्रोल प्लस डी कर रहे थे हम, देखो मैं रुक जाओ पहले कंट्रोल प्लस डी करता हूँ, ये कंट्रोल प्लस डी किया मैंने तो भी सेम वैल्यू आ रही है, या फिर हम करते हैं क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इन्वर्टेड कोमा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट पर इन्वर्टेड कोमा, तो भी ऊपर वाली सेल की वैल्यू नीचे आ रही है। आगे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस माइनस का निशान है, कंट्रोल प्लस माइनस लिखा हुआ, डिलीट द सिलेक्टेड कॉलम और रो, सिलेक्टेड कॉलम और रो किसी दूसरी शीट पे करेंगे यहां नहीं करेंगे, डिलीट क्या था, कंट्रोल प्लस, एक मिनट यहाँ पता लग जाएगा, कंट्रोल प्लस माइनस था, कंट्रोल प्लस हमने दबाया माइनस, सॉरी। अच्छा डायलॉग बॉक्स खोलता है इसमें, जैसे आप कंट्रोल प्लस माइनस का बटन दबाओगे तो यहाँ पर डिलीट ऑप्शन खुलता है, कि आपने रो को डिलीट करना है कि कॉलम को डिलीट करना है या सेल, जो भी है ठीक है, जो भी आपको लगता है मुझे रो को डिलीट करना, ओके। वैसे ये ऑप्शन यहाँ होता है, कहाँ होता है,
ये रहा हमारा, ये देखो ये वाला ऑप्शन, यहाँ से आप डिलीट करते हैं और अगर आप कंट्रोल प्लस माइनस दबाओगे तो आपका डायलॉग खुलेगा यहाँ पर, और जिससे आप रो और कॉलम डिलीट कर सकते हो। आगे है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू इंसर्ट ए न्यू रो और कॉलम, इसमें भी वही है जो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आगे क्या है इक्वल टू। तो देखो अब क्या कह रहा है, इंसर्ट करने के लिए अगर आप न्यू पे क्लिक करोगे, रो पे क्लिक करो, देखो न्यू रो इंसर्ट हो गई, मैं अंडू कर रहा हूँ। आगे है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, और ये निशान का नाम नहीं पता मुझे, ये बिल्कुल सॉरी एस्केप के नीचे ही है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको निशान बता रहा था, काम बता रहा था, ये वाला निशान, ये कंट्रोल प्लस ये वाला निशान और कंट्रोल जो भी ये है एक ही बटन के अंदर है। तो क्या लिखा हुआ है, स्विच बिटवीन शोइंग एक्सेल फॉर्मूला ऑन देयर वैल्यू इन सेल। आई एम सॉरी फ्रेंड, ये फॉर्मूला भी नहीं चल पा रहा है हमसे, कोई नहीं मैं इसको स्टडी करूंगा फिर बताऊंगा। आगे देख लेते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट अप्लाइंग टाइम फॉर्मेटिंग, आपने टाइम फॉर्मेटिंग यहाँ पर देना है, वैसे तो आप यहाँ से भी दे सकते हो, यहाँ से टाइम पे आप क्लिक करोगे तो टाइम पे फॉर्मेटिंग आ जाएगी, मतलब क्या होता है, यहाँ से आप क्लिक करते हो कुछ भी नंबर डालते हो तो ऐसे टाइम में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे ही आपने यहाँ पर कोई नंबर डाला हुआ है आप उसको टाइम फॉर्मेटिंग देना चाहते हो, तो क्या करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एट द रेट, ठीक है देखो हो गया ना कन्वर्ट टाइम में। दोबारा फिर देख लो, यहाँ पर हमने कोई वैल्यू लिखी, वैल्यू लिखने के बाद हमने किया कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट, आगे है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये हाइफनटेशन, हाइफनटेशन क्या नाम होता है इसका पता नहीं क्या नाम होता है, लिखा है अप्लाई कोमा फॉर्मेटिंग। अच्छा कोमा फॉर्मेटिंग आपकी तब लगती है जब आपकी वैल्यू कुछ ज़्यादा बड़ी होती है, यहाँ पर कोई वैल्यू लगा दिया ठीक है, आप इसको कोमा से सेपरेट करना चाहते हो, कोमा वैसे कैसे आता है आप लोगों को बता दूँ मैं, यहाँ से देखो ये कोमा फॉर्मेटिंग देते हो ना तब आपका ये वैल्यू आती है ऐसे ठीक है। अब हटा दो यहाँ से क्योंकि हमने यहाँ से नहीं देनी है, इसमें हट नहीं रहा है, हट नहीं रहा है यहाँ से, तो चलो हम यहाँ देखते हैं। तो आपने कोई वैल्यू लिखी, इनके अंदर आपने कोमा इंसर्ट करना है ठीक है, तो क्या है कंट्रोल शिफ्ट और ये वन पे निशान होता है ये, इस पे आप क्लिक करोगे तो कोमा इंसर्ट हो जाएगा, वो आप इस क्लिक करो हट जाएगा, नहीं हट नहीं रहा इंसर्ट हो रहा है। आगे है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर का निशान, करेंसी सिंबल, किसी वैल्यू को आपने करेंसी सिंबल देना है, देखो बाय डिफॉल्ट में इसमें डॉलर ही सेट होता है, अगर आपको किसी अदर कंट्री का करना है तो यहाँ पर मोर सिंबल में जाओगे आप, मोर सिंबल में तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो इनके आगे आपने क्या करना है, डॉलर का निशान लगाना है, तो क्या करना है कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर का निशान ठीक है, यानी फोर जो होता है हमारा उस पर डॉलर का निशान होता है। आगे है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश, क्या लिखा हुआ है अप्लाई डेट फॉर्मेटिंग, अच्छा डेट की फॉर्मेटिंग आ जाती है, अगर हमने यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी है और हम चाहते हैं कि डेट की फॉर्मेटिंग कन्वर्ट हो जाए, जैसे यहाँ से आती है आपकी डेट की फॉर्मेटिंग, ये शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट वही आएगी यहाँ से, आपने करना क्या है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और हैश कहाँ है, ये रहा हैश यहाँ पर दिखा रहा है 16 सितंबर 2015, तो ये नंबर के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होती है भाई, देखते हैं हाँ नंबर जो आप डालोगे इनके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होती है। आगे लिखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज, परसेंटेज फॉर्मेटिंग आपने देनी हो, जैसे आपने लिखा हुआ है 100% लिखना है इसको, तो आप वैसे तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो और आप कर सकते हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज, तो भी आ जाएगा, बस यहाँ पर परसेंटेज में 00 आ रही है आपकी। आगे है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और ये निशान, ये किसके लिए यूज होता है एक मिनट, इसमें होता है आपका कि जैसे हाँ जैसे ये नहीं आया आपका, आपकी वैल्यू शॉर्ट में है, शॉर्ट में नहीं यहाँ पर फॉर्मूला बार में इसको पूरा दिख, जैसे ये वैल्यू है ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है विदाउट कोमा, और आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट क्या होता है ऐसे देखो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और सिक्स, सिक्स में ये निशान होता है आप ये दबाओगे तो ऐसे शॉर्ट हो जाएगी ऐसे, मतलब क्या होता है ये शॉर्ट नहीं होती है वैल्यू, बस ये एक फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट हो जाता है।
उसके बाद क्या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार यानी मल्टीप्लाई का निशान। यहाँ लिखा है सिलेक्ट द करंट रीजन अराउंड द सिलेक्टेड सेल। अच्छा ठीक है, आपने एक टेबल बनाई है, ये मान लो चलो टेबल बनाई है आपने, ठीक है। टेबल कितनी बड़ी हो सकती है, आपने कहीं भी क्लिक करना है, कहीं भी क्लिक करना है। और शॉर्टकट की क्या है आपकी, कहाँ गया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार। अब आप यहाँ दबाओ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार, क्या हुआ, जितनी भी आपकी टेबल है वो सिलेक्ट हो जाएगी, जिसमें भी वैल्यू इंसर्ट है, जो ब्लैंक सेल है वो इंसर्ट नहीं और वो सिलेक्ट नहीं होंगे। एक बार फिर देख लो, यहाँ पर मैं वैल्यू लिख देता, तो देखते हैं आएगी फॉर्मेटिंग। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार, आगे ना सिलेक्शन, ठीक है। अब हम आते हैं आगे क्या है, ये लिखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, और लिखा हुआ प्लेस बॉर्डर अराउंड द सिलेक्टेड सेल। देखो ये जो हमारे सेल होते हैं ना, हमें फिलहाल तो बॉर्डर दिखाई दे रहा है इनका, लेकिन जब प्रिंट करते हैं तो नहीं दिखाई देते, या तो हमें यहाँ से इनका बॉर्डर लेना पड़ता है। आप ऐसे बॉर्डर पे क्लिक करो, देखो बॉर्डर आ गया। और आप शॉर्टकट की से लेना चाहते हो कि नहीं मुझे तो इनका बॉर्डर लेना है, तो क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और एंड। तो ये देखो इनको बॉर्डर आ गया, अराउंड बॉर्डर आएगा। आगे है रिमूव बॉर्डर, अगर आपको बॉर्डर हटाना पड़ जाता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, हाइफनटेशन नहीं, अंडरस्कोर, सॉरी अंडरस्कोर बोलते हैं इसको। तो आपने इसका रिमूव करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर, तो ये हट गया, ये इसका हटाना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर, हट गया। आगे है हाइड्रो, सॉरी अनहाइड्रो और अनहाइड कॉलम। अभी थोड़ी देर पहले वहां पर पीछे हमने रो को हाइड किया था, ये देखो रो को हाइड किया था, कंट्रोल प्लस 9, कंट्रोल प्लस 0, रो को कॉलम को हाइड किया था आपने। और यहाँ से आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये सिंपल ब्रैकेट देख लेते हैं एक बार, हम यहाँ पर कंट्रोल 9 करते हैं, तो यहाँ देखो एक रो हाइड हो गई है। अब हम करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और ये सिंपल ब्रैकेट वापस आ गए, ठीक है। एक बार फिर देख लो, हम यहाँ पर इस 18 नंबर या यहाँ पर कंट्रोल प्लस F9, ठीक है, ये हो रही है आपकी 15 नंबर रो हाइड हो रही है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और ये सिंपल ब्रैकेट ओपन वाला जो निशान है ना, यानी 9 9 के ऊपर ये सिंबल होता है, आप ऐसे क्लिक करोगे वापस शो होने लग जाएगी, ऐसे कॉलम का है, ये कॉलम का है, ये खाली क्यों है पता नहीं। चलो आगे लिखा है कंट्रोल प्लस स्लैश, इसमें क्या होता है, सिलेक्ट द सेल दैट हैव टू स्टैटिक वैल्यू एंड डोंट मैच द फॉर्मूला इन एक्टिव सेल। आई थिंक इसके लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी आपको, पहले छोटी सी टेबल बना लेते हैं कोई भी, और उसमें फॉर्मूला लगाएंगे, ये बस एक सिलेक्शन ही देता है आपकी, जिसमें आपने कोई आगे पीछे फॉर्मूला लगा रखा, जैसे हम इसको यहाँ से सम कर देते हैं, ये हमने सम कर दिया, और यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉप डाउन किया तो ये सब का हो गया, लेकिन यहाँ पर इनको जोड़ा गया है, हम चाहते हैं कि इसको ना जोड़ा जाए, 69 को इसकी जगह इसको जोड़ा जाए, तो यहाँ पर हम करेंगे, सॉरी इसको एडिट प्लस का निशान दबाना है, और अब हम दे देते हैं यहाँ पर क्या है, I7 है, I7 है ना प्लस। अब हम इसका एड्रेस दे देते हैं J6, J6, और अब हम कर देते हैं एंटर। अब यहाँ पर रिजल्ट जो है इसका और इसका जुड़ के आया, ठीक है। कंट्रोल प्लस स्लैश करने से क्या होता है, देखो कंट्रोल प्लस स्लैश जब आप करोगे तो यहाँ पर देखो ये तो सिलेक्टेड है, देखो यहाँ पर जो ये वैल्यू है, ठीक है, ये देखो 51 हमने अलग से जोड़ी हुई है, यानी देख आप नहीं समझ पा रहे हो शायद ठीक से, कंट्रोल प्लस हाइफन करना है आपने, तो
तो 95 पे सिलेक्शन आ रही है, तो ये कह रहा है भाई 95 की जगह इसको जोड़ा गया है, यहाँ पर ये पता लगता है 95 पे सिलेक्शन ऑटोमेटिक आ रही है। और ये देखो 51 जो है वाइट है, अदर सिलेक्ट है। अदर क्यों सिलेक्ट है, क्योंकि अदर जो है वो तो नॉर्मली जुड़े हुए हैं, सिर्फ जो चेंज हुआ है वो इसमें 95 में और 51 के में चेंज हुआ है। तो ये चेंज दिखाता है कि भी फॉर्मूला हमने गलत या सीरीज में या कैसे ऊपर नीचे करके लगाया। तो बता रहा है कि 59 जोड़ा ही नहीं गया है, उसकी जगह इसको जोड़ा गया। ठीक है, आप एक बार प्रैक्टिस करना, समझ जाओगे। आगे है, रिमूव बॉर्डर हो गया, हाइड शो भी हो गया आपका, ये भी हो गया, सिलेक्ट द सेल रेफरेंस बाय द फॉर्मूला हाईलाइट सिलेक्शन। एक बार इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये भी बिल्कुल आसान है, ये लिखा कंट्रोल प्लस, ये बड़ी वाली ब्रैकेट जो होती है आपकी, ओपन और क्लोज दोनों ही है। और इसमें क्या होता है, जो आपका रेफरेंस सेल होता है या फॉर्मूला, ये नहीं जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कराया, कहाँ कराया, ये करा नहीं, ये नहीं कराया, ये कराया था आपको, अभी हमने 95 की जगह इसको प्लेस किया था। तो हम जानना चाहते हैं कि 214 के अंदर, 214 के अंदर किस किस वैल्यू को जोड़ा गया है, किस किस को जोड़ा गया है। वैसे तो यहाँ से पता लग रहा है, लेकिन नहीं, सिलेक्शन आनी चाहिए। तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस और ये जो बड़े वाली ब्रैकेट का ओपन ओपन वाला लगाओगे, तो देखो यहाँ पर 45, 74 और 95 को इसके अंदर जोड़ा गया है। और इसका अगर देखेंगे हम तो कंट्रोल और वही वाली ब्रैकेट, ये देखो इसमें बता रहा है कि इन तीनों को जोड़ा गया है, इसका देखेंगे तो ये इन तीनों को बताएगा। ठीक है, यहाँ पर चेंज क्यों बता रहा है, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हमने चेंज करके दिखाया था आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद क्या है आपका, हाँ आप ऐसे सिलेक्ट करते हो, अभी ये वाली जो ये वाली कैलकुलेशन है, ये किस में कनेक्ट और कैलकुलेट है, 70 नहीं 54 जो है किस में जोड़ा गया है, तो आप दबाओगे कंट्रोल और क्लोज वाली ब्रैकेट, तो ये 115 में जोड़ा गया है। जैसे ये चेक करना आपने, कंट्रोल क्लोज वाली ब्रैकेट, तो ये जो 74 है इन दोनों में काउंट किया गया है, जोड़ा गया है। तो ये था आपका कंट्रोल प्लस ओपन टैग और क्लोज टैग, ब्रैकेट बोल दो या टैग बोल दो। उसके बाद है रेफरेंस बाय द फॉर्मूला हाईलाइट सिलेक्शन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, इसे ब्रेस बोलते हैं या बड़ी ब्रैकेट भी बोल सकते हो आप लोग। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम टू सेम ही है। कैसे, अब यहाँ पर हम जब कंट्रोल प्लस, सॉरी एक बार यहाँ देख लो, जब यहाँ पर कंट्रोल प्लस ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट दबा रहे थे ना, तो आपके वहाँ पर सेल सेलेक्ट हो रहे थे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। इसमें भी यही होता है, सेम देख लो, प्रैक्टिकल दिखाते हैं इसका। अब आपने यहाँ पर क्लिक किया है, ठीक है, और शिफ्ट कंट्रोल और ओपन ब्रेस, ठीक है, देखो यहाँ पर ये पहले भी ऐसे ही सिलेक्ट कर रहा था और अभी भी, या यहाँ पर देख लो शिफ्ट प्लस ओपन ब्रेस, ठीक है, ब्रेस सॉरी, और यहाँ पर आप क्लिक करते हो शिफ्ट प्लस कंट्रोल और क्लोज, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर सिलेक्शन आ रही है, या यहाँ पर देखेंगे शिफ्ट प्लस क्लोज तो यहाँ पर सिलेक्शन आ रहा है। ठीक है, मुझे तो सेम लग रहा है, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप डिफरेंस देख लेना। आगे लिखा है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, यानी इस पे लिखा है सिलेक्ट द एंटायर कॉलम, मतलब जिस भी कॉलम ने पे आपने क्लिक कर रखा है वो पूरा कॉलम यदि आपने सिलेक्ट करना हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे और स्पेस बार दबा देंगे, तो आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, इसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट द एंटायर वर्कशीट, मतलब जो आपकी शीट सामने खुली है शीट नंबर 1, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार दबाओगे तो सारी सिलेक्ट हो जाएगी। अगर लिखा है कंट्रोल प्लस होम, इसमें हमारा होम का बटन होता है, ध्यान से देखना, जहां पर ये नहीं लिखा होता है प्रिंट इंसर्ट डिलीट प्रिंट डाउन पेज डाउन अप डाउन, यहाँ पर देखना एक होम का बटन होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस होम, उसके लिए आप यानी A1 पे चले जाओगे, यानी कॉलम यानी जो सेल पहला होगा इसका बिल्कुल यहाँ पर जो बिल्कुल होगा उस पे चले जाए। जैसे इस टाइम यहाँ पर हमने किया कंट्रोल प्लस होम, यहाँ होम बटन एक होता है, उस पे आप होम पे दबाओगे तो आप यहाँ पर चले जाओगे, देखो A1 सेल के अंदर। ठीक है,
उसके बाद है आपका, कहाँ गया, आगे है कंट्रोल प्लस एंड, लिखा हुआ मूव टू द लास्ट विद दैट टेक्स्ट ऑफ द वर्कशीट, मतलब जहां पर आपका वर्क खत्म हो रहा होगा, एंड हो रहा होगा, ये वहां पर लिखे जाएगा कंट्रोल प्लस एंड, यहां पर आपका वर्क ये खत्म बता रहा है। देखो ये आप ये मत सोचना कि सॉरी क्या बता रहा मैं आपको कि ये सीट का आखिरी पेज दिखाएगा या आखिरी सेल दिखाएगा आपको, नहीं, यहाँ तक हमने कोई सिलेक्शन ली होगी, यहाँ पर हमने कोई फॉर्मेटिंग की होगी, हाँ यहाँ पर हमने कुछ यूज करा होगा आपसे पहले, जब वीडियो दिखाने से पहले, मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए इसका। चलो देखते हैं एक बार, कंट्रोल प्लस एंड, ठीक है कहाँ लेके जा रहे हैं, हमने यहाँ लेके जा रहा है, तो यहाँ पर अब इधर आएंगे तो यहाँ ये देखो ये एंड है इसका, यहाँ पर आपकी वर्कशीट का, पूरी सीट का नहीं है, वर्क का एंड हो रहा है आपका यहाँ पर। आगे है आपका, कहाँ थे हम, F1 F2 पे थे क्या, अच्छा यहाँ थे। अब लिखा हुआ है एक्सपेंड द हाईलाइट वन सेल, शिफ्ट प्लस अप एरो, एक्सपेंड द हाईलाइटेड एरिया अप ऑन सेल, क्या होगा इसमें, बिल्कुल आसान है, ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने जो इसको ना हम हाईलाइट बोलते हैं, देखो ये हमने हाईलाइट कर दी, या सिलेक्ट भी बोल सकते हैं, हमने सिलेक्ट कर दी, तो अब मुझे ऊपर वाले सेल भी आपको सिलेक्ट करने हैं, तो आप शिफ्ट दबाओगे और ऊपर वाला दबाओगे तो ऊपर वाले सिलेक्ट होंगे, नीचे वाले दबाओगे तो नीचे वाले सिलेक्ट होंगे, लेफ्ट वाले दबाओगे तो लेफ्ट वाले सिलेक्ट होंगे, राइट वाला दबाओगे तो राइट वाले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही दिया गया, देखो कहाँ गया, शिफ्ट प्लस में अप एरो, शिफ्ट प्लस में डाउन एरो, शिफ्ट प्लस में लेफ्ट और राइट, ये चारों हमारी एरो नहीं होती हैं ऊपर नीचे करने के लिए, तो ये सिलेक्शन देने के लिए है। आगे बताया गया है एल्ट प्लस टैब, एल्ट प्लस टैब देखो क्या होता है, जितने भी आपके टास्क में एप्लीकेशन खुली होंगी, सॉफ्टवेयर खुल रहा होगा, कोई प्रोग्राम खुल रहा होगा, एल्ट और टैब दबाओगे तो यहाँ पर ऐसे शो होने लग जाएंगे, तो आपको जो सा भी रिक्वायर्ड है आप उस पर आके छोड़ दोगे, जैसे मुझे ये रिक्वायर्ड है छोड़ देंगे तो वही खुल जाएगा। आगे है एल्ट प्लस स्पेस बार, ओपन द सिस्टम मेनू, यानी यहाँ पर आप एल्ट दबाएंगे और स्पेस बार दबाएंगे तो यहाँ पर देखो सिस्टम मेनू, ये इसे सिस्टम मेनू बोलते हैं, ये कह रहा है अभी रिस्टोर करूँ, मिनिमाइज करूँ या क्लोज करूँ, ठीक है। उसके बाद है एल्ट प्लस बैक स्पेस, देखो आपने ये वर्क कर दिया उसके बाद इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, आप अंडू जानते हो तो ये अंडू ही है, कहाँ गया अंडू, ये लिखा भी है, एल्ट प्लस बैक स्पेस दबाएंगे तो अंडू हो जाएगा, या कंट्रोल प्लस जेड भी दबा सकते हो। आगे है एल्ट प्लस एंटर, अभी एल्ट प्लस एंटर में क्या होता है, आपने एल्ट प्लस एंटर किया, एल्ट एंटर, ठीक है, तो क्या हुआ, वर्क डिलीट हो गया। अगर आपका ऐसे होता ना, अगर आप वैसे नॉर्मली आप इस पे एंटर करोगे तो सेल नीचे आता है, अगर आप मतलब क्या होता है इसके अंदर, एक बार दोबारा देखें इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा मुझे थोड़ा सा लगता है हमने गलत बता दी, जब आप लोग टाइप करते हो कोई बार, ठीक है, और एंटर लगाते हो तो आप जैसे एंटर करोगे तो नेक्स्ट सेल में आ जाते हो, लेकिन आपको है ना लाइन लगानी है यहाँ पर, जैसे एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ऐसा कुछ, दोबारा देखो यहाँ पर, या तो ऐसे क्लिक करो या काट दो इसको, तो आपने कुछ वर्ड लिखा जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर, ठीक है, और मुझे इंस्टीट्यूट इसके नीचे लिखना है लेकिन अगले सेल में नहीं, तो आप क्या दबाओगे यहाँ पर, क्या है, एल्ट प्लस एंटर, एल्ट प्लस एंटर, देखो नीचे आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर लिख दो आप इंस्टीट्यूट, जो मर्जी चाहिए लिखो, फिर एल्ट दबा के एंटर करो, तो ऐसे आप वन बाय वन यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हो जो आपको लगता है अलग अलग लाइन के अंदर, ठीक है। अब ये आपको ये दिखाई तो दे नहीं रहे, वो इसलिए दिखाई दे रहे क्योंकि आपने इसको इंक्रीज नहीं किया, इंक्रीज करोगे तो आपको दिखाई देने लग जाएगा। अच्छा आगे है एल्ट प्लस इक्वल टू, इसका यूज होता है जो आपने कहीं पर फार्मूला लगाया है उसमें आप कोई चेंजिंग करना चाहते हो, कैसे, आपने कोई फॉर्मूला एडिट करना है कैसे, जैसे अभी यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर फॉर्मूला लगाए थे, ये देखो यहाँ पर पता, ये वैसे हम यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने
शॉर्टकट की से ही करना है, लेकिन शॉर्टकट की है, बताना पड़ेगा कहाँ थे हम। एल्ट प्लस ये पोस्ट ऑफिस, नहीं कहाँ थे, कौन सा बता रहे थे, मैं खुद ही भूल गया कौन सा बता रहे थे हम। आई थिंक एल्ट प्लस एंटर तो हो गया था, और ये एल्ट प्लस इजक्वल टू ये बता रहे थे। चलो कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूँ अगर कुछ और होगा तो। एल्ट प्लस इजक्वल टू ये पोस्ट ऑफिस है, इसमें से एक ही बता रहा था मैं, क्या करें, याददाश्त ही कमजोर हो रही है हमारी तो। एल्ट प्लस सॉरी आपका कंट्रोल प्लस पोस्ट ऑफिस था वो, सॉरी पोस्ट ऑफिस नहीं, पोस्ट ऑफिस एस बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस कोमा बोलते हैं उसको आप। तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस वो कोमा दबाओगे, तो यहाँ पर देखो ये आपका फॉर्मूला जो है एडिटोर है। दोबारा देखो इस पे आपने क्लिक किया, आपने इसमें चेंज करना है कंट्रोल और इन्वर्टेड कोमा, सॉरी इन्वर्टेड कोमा आपने प्रेस करना है, तो आपका ये एडिट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, यहाँ पर चेंज कर सकते हो, अपने आप बता रहा है कि कहाँ कहाँ चेंज करना उसने। ठीक है, कंट्रोल प्लस ये एंटर करोगे तो ऊपर वाला ऐसे आ जाएगा, नीचे चेंज कर सकते हो आप इसमें। आगे है, आगे कहाँ है, आगे तो यहाँ है F1, ओपन द हेल्प मेन, F1 होती है इसकी, हर एक सॉफ्टवेयर में होता है। F1 प्रेस करोगे तो आपकी हेल्प विंडो खुलती है, जो कि ये बताती है कि आप उसमें हेल्प ले सकते हो। F2 एडिट द सिलेक्टेड सेल, मतलब यहाँ पर आपने कुछ लिख रखा है और इसको सिलेक्ट किया है, इसको एडिट करना है, तो आप F2 दबाओगे, सॉरी F2 दबाओगे तो उसके अंदर एडिट कर सकते हो। आगे है, नीचे करो थोड़ा, F3 तो नहीं है, F4 है कि लिखा है रिपीट द लास्ट एक्शन प्रो फॉर एग्जाम्पल इफ यू चेंज द कलर एंड टेक्स्ट अनदर सेल प्रेसिंग F4 टू चेंज विद द सेम कलर। अच्छा, ठीक है, आपने यहाँ पर कोई वर्क किया है जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर, ठीक है, आप इसको कोई फॉर्मेटिंग दो, यहाँ से कोई स्टाइल दे दो, ठीक है, मैंने रेड कलर देना, साइज सुइज जो भी देना आप देख लेना, साइज तो शायद ना आए, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ABC। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सेम कलर इस पे आ जाए, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल नहीं, ओनली F4, F4 है ना, हाँ F4, हम ओनली F4 क्लिक करेंगे, उसका ये तो आ गया, कलर नहीं आया, देखते हैं टैलिक भी आएगा, दोबारा देखते हैं। यहाँ पर हमने कलर ब्लैक ही रख लेते हैं, कलर ब्लैक रखा, हमने बोल्ड किया है और साइज थोड़ा इंक्रीज किया है। अब यहाँ पर हम रखते हैं XYZ और इसका हम करते हैं F4, ठीक है, साइज भी चेंज हो रहा है और साइज साइज चेंज हो रहा है, कलर नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें तो लिखा हुआ सेम कलर, आप करके देख लेना कलर आ जाएगा सेम, शायद मेरे से ना रहो। F5 गोज टू स्पेसिफिकेशन सेल, मतलब आप किसी स्पेशल सेल पे जाना चाहते, गो टू जो अभी आपको मैंने ऊपर कराई थी वही कमांड है ये, आप यहाँ से कौन सा है ये F5 दबाओगे तो पूछेगा कि किस सेल पे जाना है आपने। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे मुझे जाना है यहाँ पर कंप्यूटर पे जाना है, तो G G G 83, यहाँ लिखोगे G 83, लिख दिया तो चले गए आप G 83 पे। आगे है F6 मूव टू द नेक्स्ट पैनल, मतलब यहाँ पर अगर कोई पैनल खुला हुआ है उससे आपको मूव करना है इधर से उधर, तो कौन सा है F6 पैनल ने, देखो यहाँ पर दो ध्यान दो, यहाँ पर देखो ये आ रहे हैं, और यहाँ पर अगर कोई पैनल खुला होगा उस पे भी सिलेक्शन आएगी। F6 ये देखो चेंज हो रहा है, आगे हट गया, आगे लिखा हुआ है स्पेलिंग चेक, अगर आपने कोई स्पेलिंग गलत लिख दी है तो आप चेक कर सकते हैं, F7 प्रेस करेंगे तो स्पेलिंग एंड ग्रामर की विंडो ओपन होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये पहले की वीडियो में हमने बताया हुआ है। F8 में क्या लिखा हुआ है, एंटर एक्सटेंड मोड, ये कुछ नहीं होता इतना, इसमें बताया गया है बस जो आपका F8 होता है कहाँ गए, ये आपको पता नहीं लग रहा होगा, थोड़ा यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर बस एक मोड आ जाता है, देखो मैंने F8 प्रेस किया आ गया ना एक्सटेंड सिलेक्शन, और यहाँ पर ये F8 हटाने से हट जाएगा, मुझे तो यही इतना ही मालूम है, बाकी आप देख लेना। F9 में लिखा है रिकैलकुलेटिंग,
एवरी वर्क बुक, है ना, यही है ना, रिकैलकुलेटिंग। कैलकुलेटिंग आई थिंक यहाँ पर जब आप कोई वैल्यू वैल्यू लगाते हो, और जो मैं समझ रहा हूँ ये वही होना चाहिए, बाकी मैं भी करके देख रहा हूँ कि क्या होगा इसके अंदर। सम सम तो आ गया, लेकिन सम गलत आया, अब सही आया। अब हम करते हैं यहाँ से कहाँ से फॉर्मूला के अंदर इसको मैनुअल कर देते हैं। मैनुअल करने के बाद यहाँ पर मैं कोई वैल्यू डालता हूँ तो यहाँ पर ये चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ से प्रेस करना है F9, देखते हैं, कंट्रोल F9। हाँ ठीक है, यहाँ पर ना अगर आपने कोई शीट मैन्युअली कर रखी है और आप चाहते हो उस शीट पे जितने भी वैल्यू है, यहाँ पर ध्यान से देखना, कंट्रोल F9 करोगे तो सारी कैलकुलेशन हो जाएगी, जो भी फॉर्मूला लगा हुआ वो लग जाएगा। F10 एक्टिवेट्स द मेन्यू बार, यानी ये जो मेन्यू बार होते हैं आप जब F10 दबाओगे तो ऐसे हाईलाइट हो जाते हैं, देखो अभी हो रहे हैं। जैसे मैं F दबाऊंगा तो फाइल मेन्यू खुल जाएगा, ठीक है, N दबाऊंगा तो न्यू हो जाएगा। ये भी इनके अपने अपने शॉर्टकट की होते हैं। F11 क्रिएट ए चार्ट, आपने चार्ट क्रिएट करना है, जैसे इसी का चार्ट क्रिएट करना है तो किस क्या करोगे आप, F11 कर दोगे, F11 तो आपका चार्ट इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो तो बहुत लंबी हो गई है। उसके बाद है F12, बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सेल में शॉर्टकट, सॉरी सेव एज की शॉर्टकट की क्या है। सेव एज की शॉर्टकट की है F12, आप F12 दबाओगे तो ये शॉर्टकट की, सॉरी ये सेव एज विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप सेव एज कर सकते हैं उसको। शिफ्ट प्लस F2 अलो यूजर टू एडिट द सेल कमेंट। अच्छा, आपको सबसे पहले यहाँ पर कमेंट देने पड़ेंगे, यहाँ से कमेंट दे दिया आपने, कमेंट कमेंट, ठीक है। अब मुझे इसके कमेंट को एडिट करना है, ठीक है, तो हम शिफ्ट और एफ क्या है 12 दबा देंगे, नहीं F2 सॉरी। तो देखो वहाँ पर एडिट का ऑप्शन अपने आप आ गया। दोबारा फिर देखो, यहाँ पर हमने क्लिक किया, सिर्फ इस पर क्लिक करना है, यहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना आपने, सिर्फ क्लिक करना है। और क्लिक भी चक्कर कैसे छोड़ सकते हो, शिफ्ट और F2 करोगे तो आप उसको एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पर लिखा F3 ओपन द एक्सेल फॉर्मूला विंडो, आप यहाँ से फॉर्मूला में नहीं लगाते हो, यहाँ से ये वाली इंसर्ट फंक्शन, तो इसको फॉर्मूला विंडो बोलते हैं। आप शिफ्ट और F3 दबाएंगे तो भी यही खुलेगा। आगे है शिफ्ट प्लस F5 या आप कंट्रोल प्लस F कर सकते हो, नहीं मतलब फाइंड के लिए। अब हम दबाते हैं शिफ्ट प्लस F5 तो फाइंड आ रहा है, या फिर आप कंट्रोल प्लस F भी कर सकते हो। शिफ्ट प्लस F6 मूव द प्रीवियस पैनल, पैनल तो खोल लो, पैनल 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 किसका खोल के दिखाऊं आपको मैं, यहाँ पर साइड में नहीं पैनल खुलते हैं, खुला ही नहीं पैनल। यहाँ पर जो पैनल होते हैं ना उनको आप इधर मूव कर सकते हो, किससे किससे, क्या नाम है, कहाँ गया, हाँ ये है शिफ्ट प्लस F6, शिफ्ट दबाएंगे और F6 दबाएंगे तो आप यहाँ पर जो सिलेक्शन आएगी यहाँ पर, सॉरी जो विंडो आती है उनको आप ऐसे कर सकते हो, आगे पीछे आती तो थी, किससे आती थी फिलहाल मैं भूल गया, कहाँ से आती है, यही लगा लो, ये एक पैनल है, इससे आपने इस पे जाना है तो शिफ्ट प्लस क्या था F6 था, इससे नहीं जा रहा, आप
जाके देख लेना इस पे क्या लोक सा लग गया, सीट पे लोक सा लग गया आई थिंक, ना पेस्ट हो रहा है ना कुछ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। चलो उसके बाद कहाँ थे हम, कहाँ थे, यहाँ थे ऐड टू सिलेक्शन शिफ्ट प्लस एफ क्या है सिक्स, एट ऐड टू सिलेक्शन होना तो यही चाहिए, ऐड टू सिलेक्शन इस पे नहीं चलेगा शायद, इस पे कुछ गड़बड़ होगी। नहीं चल रहा आपका ये, नहीं चल रहा, सॉरी ये नहीं चल पा रहा, वैसे भी लंबी हो गई है वीडियो और इसको मैं बाद में देखता हूँ क्या कहेगा ये। आगे परफॉर्म कैलकुलेशन फंक्शन ऑन एक्टिव शीट, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने कराया था आपको, यहाँ पर ये थे, आप यहाँ पर यदि कोई 1000 कर दिया आपने, यहाँ पर 1000 कर दिया या कुछ भी कर दिया, आप यहाँ पर टोटल नहीं हुआ ना, तो आप परफॉर्म द कैलकुलेशन क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस F9 देखेंगे हम, शिफ्ट प्लस F9 करके देखते हैं और ये वैल्यू काउंट होगी। ठीक है, आगे है ओपन नेम मैनेजर, एक्सेल मैनेजर का जो होता है F3, क्या होता है कंट्रोल F3 दबाएंगे तो ये जो होता है नेम मैनेजर होता है, इसमें आपकी सीट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। क्लोज करंट विंडो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आपकी विंडो कितनी खुली हुई है, एक ये खुली, एक दो और खोल लेते हैं, जैसे ये खोल दिया हमने और ये खोल दिया हमने, यानी Book 3 है इस टाइम हमारे सामने, तो शॉर्टकट की क्या थी, Ctrl+W आई थिंक, तो यही थी, बाकी एक बार देख लेते हैं क्या थी, कहाँ थे हम, क्लोज, अच्छा Ctrl+F4, ठीक है Ctrl+F4 हम 3 पे हैं, Ctrl+F4 की वो करो तो ये 3 क्लोज होगी। अब 2 आगे ध्यान देखो, अब 2 भी क्लोज करते हैं तो 2 भी क्लोज होगी, 1 आगे, इसको भी क्लोज करते हैं तो हमारी अकेली ये आ जाएगी। रिस्टोर विंडो साइज क्या होता है, अगर आपने यहाँ पर कोई अभी तो एक ही रखी हो, यहाँ पर सीट आगे पीछे कोई चेंज कर रखा है तो शॉर्टकट की क्या थी, शॉर्टकट की देख लो, रीसाइज या रीस्टोर, कहाँ रीस्टोर द विंडो साइज, तो इसमें ऐसे ही होता है कि विंडो के जो साइज होते हैं ना ये आपके रीस्टोर हो जाते हैं, Ctrl+F5, Ctrl+F5, Ctrl+F5 नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है मैंने किया भी है ये Ctrl+F5, तो ये विंडो जो है आपकी देर तो नहीं है कुछ, आप देखते हैं Ctrl+F5 तो अभी भी नहीं हो रही है, या कीबोर्ड ही नहीं चल रहा है, Ctrl+F5 नहीं, मैंने किया है ये विंडो ऐसी आ जाती है यहाँ पर, आप करके देख लेना, आगे भी कुछ ऐसी है इससे रिलेटेड, क्या लिखा, मूव द विंडो, मूव द विंडो कहाँ गए, सॉरी नेक्स्ट वर्कबुक, ठीक है यहाँ पर ऐसे होता है जैसे इसको ओपन ही कर लो। अब ये शॉर्टकट के नाम से एक फाइल है, आप यहाँ पर कहाँ था है? मूव द नेक्स्ट, अगली विंडो पे जाना है, Ctrl+F7 करोगे आप, सॉरी कंट्रोल क्या है, Ctrl+F7, सॉरी मैं इसमें Ctrl+F7 करता हूँ तो मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग रुक जाती है क्योंकि इसकी शॉर्टकट की यही है, तो आप विंडो को मूव कर सकते हो इधर उधर, ठीक है Ctrl+F7 नहीं दबा सकता, आगे है Ctrl+F8, ये तो नहीं है रिसाइज करने के लिए, देखते हैं जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा था क्या पता ये हो, Ctrl+F8, ठीक है समझ गया मैं क्या होता है। अब देखो यहाँ पर मुझे इसको ऊपर करना है, ठीक है ऊपर करने के लिए मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम बिना सिलेक्ट किए Ctrl+F8
F8 करेंगे तो ये देखो ये कर्सर आ गया, और इससे हम ऐसे इसको मूव कर सकते हैं, आया नहीं, कंट्रोल प्लस F8 आ नहीं रहा, देखो इससे आप मूव कर रहे हो ये, लेकिन हो नहीं रही है, ऐसे मूव हो जाती है ये, मूव करने का आपका सिंबल आता है, आगे लिखा है मिनिमाइज करंट विंडो, ये जो विंडो खुली है इसको आपने मिनिमाइज करना है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस F9, ये मिनिमाइज होगी, F10, तो हम यहाँ थे, कहाँ थे, हाँ इससे आप मिनिमाइज कर सकते हैं, इससे आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आगे लिखा है इंसर्ट मैक्रो सीट, मैक्रो सीट क्या होती है, क्या अलग से सीट होती है, अगर आप दबाते हो कंट्रोल प्लस F11, F11 प्रेस करते हो तो एक देखो यहाँ पर मैक्रो सीट आ जाती है आपकी एक अलग से। आगे है F12, ओपन फाइल, यानी जो आपकी सेव की गई फाइल है वो आप ओपन करके देख सकते हैं, यानी ये जो कंट्रोल प्लस O होता है ना वो भी है इसकी शॉर्टकट की। आगे है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 6, मूव टू द प्रीवियस वर्कशीट, यानी जो पीछे वाली वर्कशीट थी उस पर जाना है आपने, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और क्या था F6 प्रेस करोगे तो आप पिछले वाली देखो वर्क 4 पे चले गए, हम यहाँ पर देखो यहाँ पर ध्यान दे, और अगर वापस से आप यही दबाओगे तो आप पिछले उस पे चले जाओगे शॉर्टकट की पे। प्रिंट एंड करंट वर्कशीट, कंट्रोल प्लस पी जो होता है वही होता है, या तो आप कंट्रोल प्लस पी करो या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 करो, ठीक है प्रिंट का ऑप्शन ही ओपन होगा। आगे है सेव एज ऑप्शन, अगेन फिर आ गया एल्ट प्लस F2 करेंगे तो भी सेव एज का ऑप्शन ही आपका ओपन होगा। एग्जिट एल्ट प्लस F4 करोगे तो आप एक्सेल से एग्जिट हो जाएंगे। आगे है एल्ट प्लस F4 ओपन द मैक्रो डायलॉग बॉक्स, यानी यहाँ जहाँ से हम मैक्रो ने रिकॉर्ड करते हैं, आप करोगे एल्ट प्लस में F8, कहाँ हो गया F8, ये रहा, तो ये देखो मैक्रो आ जाएगा यहाँ पर, आप कोई नाम लिखोगे, मैक्रो क्रिएट करोगे, फिर उसको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे। एल्ट प्लस F11 ओपन द विजुअल बेसिक एडिटर, विजुअल बेसिक एडिटर ओपन करने के लिए होता है ये, एल्ट प्लस F11 करोगे तो ये विजुअल बेसिक एडिटर होता है, ये ओपन हो जाएगा। आगे है क्रिएट ए न्यू सीट, यानी कंट्रोल प्लस सी जो होता है आपका, सॉरी कंट्रोल प्लस एम जो होता है, तो वो नई वर्कशीट लेने के लिए होता है, आप ऐसे ही एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस क्या करेंगे, सॉरी एल्ट और F1 करेंगे तो आपकी नई सीट खोलने के लिए बोलेगा ये F1, भाई देखो नई सीट क्रिएट होगी इसके अंदर, यहाँ पर देखो कहाँ गई, कहाँ थे हम, यहाँ थे, सॉरी कंट्रोल प्लस एन नहीं, यहाँ पर आपकी नई सीट इंसर्ट हुई है, देखो यहाँ ये सीट जैसे ऐसे आप करते हो ना, तो सीट इंसर्ट करने के लिए आप करेंगे एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1। आगे है सेव द करंट वर्कशीट, सेव करने के लिए आप सेव एज भी कर सकते हो, सॉरी कंट्रोल प्लस S भी कर सकते हो, और आप एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2 भी कर सकते हो, एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2, ठीक है तो ये सेव करने के लिए बोल देगा, ठीक है आप यहाँ से सेव कर सकते हो। ये थी हमारी शॉर्टकट की वीडियो, और हमने कोशिश की आपको हर एक शॉर्टकट की बताने की, अगर कुछ रह गई होंगी तो उनको भी पूरा करेंगे, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, थैंक यू, धन्यवाद।